तो हे नमस्कार दोस्तों, कैसी पब्लिक। आज हम लोग ये नया वीडियो लेके आए अडानी पावर शेयर के ऊपर, और इसमें हम लोग को बहुत तगड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। और ये ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ऊपर ही सस्टेन कर रही, अच्छा खासा तगड़ा मूव हम लोग को देखने को आने को वाले टाइम में मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं कौन सा मूव मिलने वाला है, पूरे लेवल डिस्कस करेंगे आप लोग साथ इस वीडियो में। सो उससे पहले आप लोग को वीडियो स्टार्ट करूं मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग हमारे वीडियोस देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते। सो अगर ये वीडियो आप लोग को लाइक लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को नहीं करा होगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज हम लोग डेली ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाते रहते हैं जिससे आप लोग की ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलती रहे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम लोग आ चुके हैं अडानी पावर में 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। किस पे आ चुके हैं? 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और ये ट्रेंड लाइन आप लोग देख सकते हैं, मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है अपसाइड से डाउन साइड में। ओके, ट्रेंड लाइन ये बहुत ही तगड़ी ट्रेंड लाइन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में मार्केट इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा था। 1 2 3 कैंडल रिजेक्शन इस ट्रेंड लाइन पे हम लोग को मिला था। बार बार मार्केट इस प्राइस के ऊपर जाता बट फॉल आया था, फिर ऊपर जाता इसी प्राइस पर फिर फॉल आया था। और देख सकते हैं आप लोग, फॉल थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत तगड़ा फॉल लाता है बार बार ये ट्रेंड लाइन। ओके, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को हायर लोस लोअर लोस वाला फॉर्मेशन बनाता जा रहा था, बट आज के दिन क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट दे दिया। ओके, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देने के बाद अभी भी मार्केट उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर रिस्पेक्ट कर रहा, उसी के ऊपर जो अभी ट्रेडिंग प्राइस उसी के ऊपर चल रहा है। ओके, बात करते हैं क्या ट्रेडिंग प्राइस चल रहा अभी। वीडियो लाइव मार्केट की है, 195 रुपीस इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा अभी, बिकॉज अभी हाफ एन आवर बचा हुआ मार्केट क्लोजिंग में। ओके, और बात करते हैं कितने की तेजी परसेंटेज की मूवमेंट आई थी इसमें। आज के दिन इसमें 4.22% इसने मूवमेंट दी है, 7 पॉइंट्स का मूवमेंट है अपसाइड में। ओके, अब बात करते हैं आने वाले टाइम में हम लोग को क्या लेवल्स और टारगेट्स पे ध्यान देना है, क्या ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जो दिया इसका हम लोग बेनिफिट उठा सकते हैं या नहीं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं ये ड्रॉइंग हटाता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये तो ऊपर इसके सस्टेन कर ही रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर रिस्पेक्ट कर रहा है। सो ज्यादातर चांसेस क्या है, मार्केट यहाँ से एक प्राइस एक्शन बिल्डअप करके थोड़ा सा डाउन साइड आए। ओके, डाउन साइड यानी पूरा डाउन साइड नहीं, बट कितने लेवल तक आएगा ये डाउन साइड, 190 के पास। ओके, 190.80 के पास आएगा, वहां से ये हाईवे रिजेक्शन कैंडल बनाएगा। ओके, क्या बनाएगा, हाईवे रिजेक्शन कैंडल बनाने के ज्यादातर चांसेस हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी आर वेरी हाई देयर दैट देयर विल बी हाई रिजेक्शन कैंडल फ्रॉम डाउन साइड। ओके, उसके बाद यहाँ से वापस मार्केट अपसाइड मूवमेंट देगा, अपसाइड बढ़ने की कोशिश करेगा, और फिर हम लोग को एक बुलिश सिनेरियो बनता हुआ आएगा। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि प्राइस एक्शन बिल्ड करने के लिए इसको हायर हाइज हायर लोज वाला फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए ही ऊपर जाना चाहिए। अगर हायर हाइज हायर लोज फॉर्मेशन फॉलो करते हुए ऊपर नहीं जाता है तो इसमें हम लोग को एक क्लियर कट टू कट फेक ब्रेकआउट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फेक ब्रेकआउट, और एग्रेसिव नहीं हो पाएंगे हम लोग बाइंग में। अगर हम लोग को बाइंग में एग्रेसिव होना है तो एक रिटेस्ट जरूरी है यहाँ पे। ओके, सो ड्यू टू दैट रिटेस्ट हम लोग को यहाँ पे एक थोड़ी सी फॉल देखने जरूरी है। अब बात करते हैं क्या टारगेट लेवल्स रह सकते हैं हम लोग का। फर्स्ट लेवल जो टारगेट रहने वाला 198 का। ओके, हाँ मानता हूँ प्राइस अभी 195 चल रहा, बट मैं फॉल के बाद मैं बता रहा हूँ, जब 190 आएगा उसके बाद 198 का हम लोग नेक्स्ट टारगेट रख सकते हैं, बिकॉज लास्ट टाइम मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन फेस करा था। देख सकते हैं यहीं से रिजेक्शन फेस करके वापस डाउन साइड आया था। सो देयर आर प्रोबेबिलिटी आर वेरी हाई कि वापस मार्केट यही फॉर्मेशन को फॉलो करेगा, यहाँ 198 से रिजेक्शन फेस करके डाउन साइड वापस एक सिनेरियो दे सकता है, बिकॉज लोग वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जिन्होंने आज ब्रेकआउट पे लिया होगा वो 198 के पास वेट कर रहे हैं, 198 पास जाके प्रॉफिट बुकिंग करें अपनी। ओके, सो इसी वजह से वो लोग वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। सो उससे क्या होगा, वापस प्राइस में फॉल आएगा, देखने को हम लोग को फॉल मिलेगा। सो उसी फॉल में इसीलिए मैं आप लोग बोल रहा हूँ हम लोग के टारगेट 198 रखने वाले हैं हम लोग। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को नहीं करा होगा सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे डेली अप टू डेट वीडियोज आप लोग को मिलते रहे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।